हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। फैमिली कैसे आप सभी लोग, मेरा नाम है देवोत्तर अग्रवाल और इस समय हम एसर टेलीकॉम जबलपुर एमपी। वही एक छोटा सा शहर सपने हजार अंदर बैठे हैं स्टूडेंट, कम से कम 28 से 30 स्टूडेंट जिनका हम डाटा, आज हम उनसे डाटा लेंगे I2S सप्लाई से और देखेंगे कि हमने जो उनको डिलीवर किया है वो उन तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। ये वीडियो काफ़ी खास है क्योंकि ये वीडियो अभी आ रहा है लाइव। आप देखिए हिंदुस्तान में किसी इंस्टीट्यूट में दम है तो लाइव आके अपनी क्लासों को ले जो कि हम में है। तो ये वीडियो लेंगे लाइव और अपने स्टूडेंट का लाइव आउटपुट लेंगे। एमएमसी हमने अभी पढ़ाई है, 6 दिन मेरे ख्याल से एमएमसी हुए हैं हमारे मिलन सर से। उससे पहले आप देखिएगा दुर्गेश सर की क्लास है, उससे पहले मेरी क्लास थी हार्डवेयर की। सो मेरे साथ में मेरे टीचर्स हैं, यहाँ पे मेरी टीम है पूरी और एक सामने है हमारे मोहम्मद सर। सो यहाँ पे आइए इनसे थोड़ा अपडेट लेते हैं। अंदर क्लास में जाने से पहले स्टूडेंट का जोश देखने से पहले आइए चेक पहले देखते हैं कि हमारे टीचरों का क्या जोश है, उन्होंने क्या डिलीवर किया है और किस तरीके बैच रही है। सबसे पहले मिलन सर तुम्हारे हाथ में क्या है ये बताओ। सर ये देख सकते हैं मेरे हाथ में सारे A50 की बोर्ड है, M31 है, M31 ये देखो, ये देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर इस बार हमने बिल्कुल लेटेस्ट बोर्ड दिए हुए इनको, ये देखो, और बिल्कुल जिसमें आप देखिए बिल्कुल CPU और शील्ड भी नहीं उतरी है, ये देखो M31 ये जैसे ये देख सकते हैं ये देखो M31। सो ये जो बोर्ड है ये काई के लिए पर्पस से बोर्ड है बताइए सर। सर ये जो बोर्ड है ये सारे स्टूडेंट को देते हैं हम लोग और स्टूडेंट इसके ऊपर ड्यूल डेकर प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि ड्यूल डेकर हाथ से जब तक नहीं करते हैं वो फील नहीं आ पाता है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा हूँ, सिर्फ करके दिखा देते हैं और जाओ अपना करना है बिल्कुल। बाकी जो जो बंदा अपने साथ फोन लेकर आ गया तो वो करेगा, हाँ जो देखेंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम हर एक को फ्री में बोर्ड प्रोवाइड करवाते हैं, प्रैक्टिकली करो और खुद के हाथ से पकड़ कर कि रैम क्लीनिंग कैसे करना है उसके लिए पहले एक लाइव सेट किया ना जी, जी, जी बिल्कुल एक लाइव सेट हम करके दिखाते हैं किस तरीके से होता है किस तरीके से। वो लेके आओ, एक कौन लेके आओ, लाइव कौन सा है और वो स्टूडेंट को भी लेके आओ विकास, ठीक है, उनसे भी मिलवाते हैं, ये हम करते हैं। बाकी हमारी जो क्लासेस आगे चलती है तो ये MMC और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये सब, ये तुम्हारा सेट है विकास जी सर, क्या सेट का प्रॉब्लम? ये सर चालू था फोन, ये फोन चालू था मगर 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट चल के रिस्टार्ट हो जा रहा था, बंद हो जा रहा। ये देखो यहाँ दिखा दो, यहाँ पे सील लगी है, लोगों को लगेगा कि भाई हमने करवाया है कि नहीं करवाया, ये देखो यहाँ पर, ठीक है बताइए सर। बोलो एकदम लाइव डायग्नोस हुआ इसको, CPU इसका रिवॉल्व हुआ डबल डेकर वाला। और विशाल अभी आप विशाल आप ये खुद करने वाले हैं अभी आप जी, ठीक है जाइए अंदर मिलते हैं आपसे, बताइए सर। और ये जो है ये लाइव करके दिखाते हैं, उसके बाद जाके हमारे जो स्टूडेंट है उसको बोर्ड देते हैं, बोर्ड देने के बाद ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। बाकी हमारी जो क्लासेस चलती है ये क्लासेस शुरुआत से कंपोनेंट से शुरुआत होती है, बेसिक से बिल्कुल बेसिक से देखने का नजरिया से शुरुआत होती है। देव सबसे पहले देव सर से आप मिलेंगे, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको आएंगे आपको डबल डेकर सबसे पहले सिखाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली डेट में MMC उतरवा दी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे सबसे पहले कंपोनेंट से शुरुआत होता है, शुरुआत होने के बाद आपको उसके बाद आप मिलते हैं दुर्गेश सर से सॉफ्टवेयर के बाद MMC में कुछ इस तरीके से हम पढ़ाते हैं, जो भी सेट आप लेके आएंगे उसी सेट को आपके सामने आपके हाथों से ही बनवा के दिखाएंगे। एलिजिबल हो जाते हो जी बिल्कुल, हो जाते हो कि आप IC उठाना निकालना जी, काटना आप पहले दिन में इतने काम नहीं कर पाओगे, नहीं नहीं नहीं, इसलिए तो हम बेसिक से शुरुआत करते हैं कि क्योंकि आप किस तरीके से काम करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमें हमारे पास अगर आएंगे हमारे तरीके से काम करना बिल्कुल, इसीलिए हम शुरुआत करते हैं। अभी बात करते हैं दुर्गेश सर से। हेलो, मैं ऐसे टेलीकॉम से दुर्गेश, और मैं जैसा कि सर ने बताया कि सबसे पहले हार्डवेयर फिर सॉफ्टवेयर फिर MMC, तो देखिए दो टाइप के लोग आते हैं, एक आते हैं फ्रेशर, एक बिल्कुल जो पहले से काम करते रहते हैं। तो जो पहले से काम कर रहे हैं तो और जो फ्रेशर स्टूडेंट है, तो अगर जो पहले से काम कर रहे हैं अगर हम गलत उनको पढ़ाएंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे, बट जो बिल्कुल फ्रेशर है अगर हम उनको कुछ भी पढ़ाएंगे तो वो तो जज कर लेंगे, पर यहाँ पे उनको चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो पहले से काम कर रहे हैं सबको एक जीरो से पढ़ाया जाता है, इक्वल पढ़ाया जाता है, फिर उनको पता चलता है कि फिर उसके बाद जैसे ही क्लास
क्लास हो जाती है सॉफ्टवेयर की, तो फिर फ्रेशर और जो पहले से काम कर रहे हैं दोनों ही इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि जो लेवल वो जो पहले से काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं उन्हें नहीं पता था, पर एज अ फ्रेशर जो अब काम करेगा वो उनके लेवल से काम करता है। बिल्कुल, क्या कहना चाहोगे? जी सर, मैं बोलना ये चाहूंगा कि देखिए हम पहले जब आप सबसे मिलने वाले हैं स्टूडेंट से, ये बताइए। हम तो देखिए सबसे पहले मिलने वाले हैं 27 तारीख से ही, जब इनकी काउंसलिंग की क्लास होती है, और उसके बाद से डे वन से लेकर मतलब लास्ट डे इनको जाने तक फेयरवेल क्लास में ये रहते हैं, मेरे साथ थ्योरी क्लास में ये रहते हैं। जी जी, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए हम इनको पहले दिन से ही हैंड स्किल पे काम करवाते हैं, पहले दिन से कंपोनेंट का नॉलेज देते हैं, एक एक आईसी का पहचान कराते हैं, क्योंकि देखिए कोई से भी आईसी उठाते समय अगर बगल का कोई कंपोनेंट मिसिंग हो जाता है तो क्या काम करता है, क्या वैल्यू का होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग स्कीमेटिक के थ्रू, लेआउट के थ्रू सारी चीज़ें बताते हैं, और साथ के साथ जो भी थ्योरी होता है हम साथ में शाम को इनको प्रैक्टिकल भी देते हैं कंप्लीट, ताकि ये बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का काम कर पाए। और देखिए यही सीन है कि पहले दिन से लेके आज लास्ट दिन है, ये डुअल डेकर हम इनसे करवा रहे हैं। ठीक है, सो आपने देखा कि अगर आपको एसर टेलीकॉम ज्वाइन करना है तो कितने क्या ग्रेटेस्ट लोगों से मिलते हुए जाना पड़ेगा, या एक का नॉलेज काम नहीं करता कहीं पे भी, एक आदमी का नॉलेज काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, हर एक के लिए स्पेशलिस्ट है यहाँ, हर एक के लिए। आप अगर मैं बोलूँ कि मैं अकेला पढ़ा दूँ पूरा तो फिर मैं बैकअप क्या दूंगा? जी बिल्कुल सर, अगर 30 दिन में बिजी रहा तो मैं बैकअप क्या दूंगा, स्टूडेंट जो मैं पढ़ाया हूँ उनसे कब बात करूंगा, उनका ग्रुप कब चेक करूंगा, ये सब कब होगा, इसीलिए हम लोग का जो है कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए टीम है। और ये पूरे आप जैसे स्कूल में जाते थे ना कि मैथ्स का कोई और टीचर आता था, केमिस्ट्री का कोई और टीचर आता था, तो ये तो स्कूल है, तो ये तो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट कोई एक नाम से इंस्टीट्यूट थोड़ी ना बनता है। चलिए आइए मिलते हैं, और मोहम्मद सर क्या बोलना चाहोगे आप? सर जो हमारी क्लास होती है ना तो 4 घंटे की होती है ना 5 घंटे की होती है, हमारी क्लास होती है 12 घंटे की। जो भी नया आने वाले स्टूडेंट है समझ ले इस बात को, 12 घंटे की क्षमता यहाँ पे बैठने की होना चाहिए, और 12 घंटे अगर जितना अगर आपको यहाँ पर थ्योरी पढ़ा रहे हैं उससे डबल आपको प्रैक्टिकल मिलता है यहाँ पर। प्रैक्टिकल मतलब एक एक बोर्ड पे एक आईसी को उठा के उसके पेडलाइन के बारे में जानकारी मिलती है, आप डीएसओ से हर बंदा खुद स्टूडेंट डीएसओ से चेक करता है यहाँ पर, और हर मल्टीमीटर से उसकी रीडिंग निकालता है, और उसके बाद एक चालू सेट को निकाल कर वापस आईसी लगा के उस सेट से उस सेक्शन से संबंधित उस आईसी को वापिस लगा के और उसका जीआर करके उसको एक जिंदा सेट की रीडिंग होती है सेक्शन वाइज। तो इस तरीके से पढ़ाया जाता है, बहुत अमेजिंग है, आप कल्पना में सोच भी नहीं सकते इस तरीके से पढ़ाया जाता है एशिया टेलीकॉम में डे बाय डे। चलिए आइए आपको ले चलते हैं क्लास में, आइए। तो यहाँ पर हमारा आप क्लास का ये प्रैक्टिकल रूम देख सकते हैं, आप देखिए कि आप खुद मैं जज कीजिए कि इंडिया में मुझे नहीं लगता है कि आपने इतना बड़ा प्रैक्टिकल रूम इतने सारे इक्विपमेंट के साथ में देखे होंगे। सो यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा 28 जुलाई बैच, हाउ इज यू फील, हाउ इज द जोश, किस किस का हाई है, मुझे बताइए किस किस का पैसा वसूल हुआ है भैया, बिल्कुल हाथ खड़े करके बताओ ईमानदारी के साथ, पक्का? ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी आज इनको सबसे पहले चलिए इनसे एक एक रिव्यू उठाऊंगा, मैं एक एक से उठाऊंगा। आइए सबसे पहले यहाँ पर तो सब लोग एक एक करके आकर सब लोग मिलन सर से बोर्ड कलेक्ट कर लो पहले, और उस बोर्ड को आपने दोनों तब से फोटो खींचना है आपके मोबाइल में, और जितने भी पत्र हैं वो पत्रे उठाते जाना जब तक, और वो फोटो इसलिए खींचना है क्योंकि अगर आप CPU रैम उतार रहे हैं और आपका अगर कोई कॉम्पोनेंट निकल गया तो वो आपको फोटो से पता चल जाएगा कि कौन सा कॉम्पोनेंट है, और वो सारी फोटो आपने ग्रुप में आपको डाल देनी है क्योंकि आपको बहुत सारे मॉडल्स की फोटो भी मिल जाएंगी। लेते जाओ सब लोग एक एक सेट दिखाइए यहाँ पर, बैठते जाओ। जी सर आओ एक एक आओ एक एक, वन बाय वन बैठ जाना, वो ठीक है फोटो खींच लेना, और अभी उसको जितना है आपने डायग्नोस करो उस PCB को बुला, मैं सबके पास एक एक करके आऊंगा, एक छोटे से रिव्यू के साथ में शुरू करेंगे, उसके बाद में हम निकालना चालू करेंगे। ठीक है सर, अभी पत्रा हटा दे। हाँ हटाइए हटाइए, पत्रा निकाल दो, आइए तो मेरे साथ में मिलन सर भी आ जाइए, आइए। तो यहाँ पर मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट के साथ, हाँ बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? PCB सर। PCB किस फोन की PCB है? डुअल डेकर की फ्रेश PCB है कि ऐसे ही है? फ्रेश PCB दिखा दो जरा, उठाया नहीं अभी तक। बिल्कुल देखो यहाँ पर, तो ये PCB इंस्टीट्यूट की तरफ से फ्री मिली है यहाँ पर, एशिया टेलीकॉम की तरफ से। ठीक है खड़े हो जाओ,
मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे में 10 पीसीबी दे दूँ, एक मल्टीमीटर दे दूँ, एक बैग दे दूँ, 10 सीडियाँ दे दूँ, एक एसएमडी फ्री दे दूँ, चार मैडम खड़ी कर दूँ, पर नॉलेज नहीं दूँ, क्या कलर होगे बताओ? फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, फायदा नहीं है। ये तो आप खुद से भी ले सकते हो ना। आप यहाँ बैठे क्यों? मुझे नॉलेज के लिए सर। नॉलेज के? यस सर। कब आए थे आप, कौन से डेट पे आए थे? 25, 26, 26। आज क्या हो रही है? 21। ऑलमोस्ट एक महीने के करीब है ना, मतलब ये समझो 5-6 दिन ही बचे हुए। यस सर। अभी तक का सफर बताओ कैसा है तुम्हारा? बहुत अच्छा रहा, मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत हाई हो गया। अभी मेरे को कुछ डर नहीं लगता, पीसीबी को देखने का नजरिया ही बदल गया। याद है मैंने कहा था ब्लैक पेस्टेड कैसा हो जाएगा? मक्खन की तरह। मक्खन की तरह हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर, हलवा हो गया सर। पेस्टेड और पेस्टेड के बारे में या तो फिर एमएमसी के बारे में या तो फिर मैं बात करूंगा सॉफ्टवेयर के बारे में या तो फिर हार्डवेयर के बारे में, कैसा रहा? यस सर, बहुत अच्छा रहा सर, नो डाउट, एकदम मस्त क्लास रहा। ऐसा तो नहीं है कोई क्लास में हमने कुछ आप कुछ पूछे और हमने बोले नहीं अभी नहीं बैठ जाओ बाद में बताएंगे? नो सर, सर जितने भी डाउट थे सबका सॉल्व कर दिया। जो भी थ्योरी मिली उसी चीज का विद प्रैक्टिकल साथ में आपको दिया गया कि नहीं दिया टाइम? यस सर। कितने घंटे की क्लासेस चलती है यहाँ पे? कम से कम 14 से 16 घंटे तक चलती है, मतलब 14-12 घंटे कंपलसरी। जब पहले 2 दिन आए थे तो इतना आपने जब घंटे अटेंड किए तो कैसा फील हुआ था? मतलब इतना बैठने का हैबिट नहीं था सर। किसी का है क्या बता? किसी का नहीं था, लेकिन अभी बहुत है। पर जब नॉलेज मिलता है तो बैठना पड़ता है और आपने नॉलेज के लिए बैठे यहाँ बैठे सर। क्या बोलना चाहोगे, पैसा वसूल है कि नहीं है? बहुत, जो मेरा तो पैसा वसूल है और जिस जिसको पैसा वसूल करना है वो एशिया टेलीकॉम जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। और जो एशिया टेलीकॉम के नाम से फर्जी कमेंट करते हैं, फर्जी वारा करते हैं कि नहीं पढ़ाता है, बिना देखे हमारे पास बिना आए जज, आप आओ यहाँ पे पहले देखो सीखो, अगर नहीं सीख पाए तो फिर कुछ बोल दो, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। जो भी बंदा एक एक बंदे को अलग ये क्या बोलते हैं पर्सनली सिखाया जाता है, एक एक बंदे से करवाया जाता है, जब तक सब बंदों का होता नहीं तब तक उनको रिलीज नहीं किया जाता। छोड़ा नहीं, सीपी पावर लगा के लाइव चालू किया, एमएमसी पे काम किया, ड्यूल डेकर करने वाले हो। थैंक यू वेरी मच, बैठो मेरे साथ, मेरा जाओ। सो यहाँ पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज शर्मा। राज कहाँ से? मैं अभी फिलहाल बेंगलोर से हूँ। आपने एक रिव्यू मेरे को दिए थे हार्डवेयर के टाइम पे, जी सर। आज आप मैंने ये कंसीडर समझो दूसरा रिव्यू है। रिव्यू आपके डेली मिलते हैं, रात में आप जब रिव्यू देते हैं तो ये इसलिए नहीं देते कि सर हाँ आज मैंने सेक्शन अटेंड किया, आप इसलिए देते कि आज मैं सीखा हूँ। क्योंकि हम तभी रिव्यू लेते हैं जब हम क्लास को सिखा देते हैं, करवा देते हैं, बीच में तो रिव्यू नहीं लेते ना कि आज आप पढ़ने वाले बताओ कैसा लग रहा है। हम तो रिव्यू ले रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। सर पहले बोले थे हम लोग को कि आप लोग को ये ब्लैक पेस्टेड हलवा का जैसा बना देंगे, आज पूरा हलवा का जैसा हो गया, पक्का पूरा हलवा का जैसा हो गया है। आपके हाथ में बोड़े हैं जो भी आपको नॉलेज मिला है वो यूट्यूब में है या फिर वो यूट्यूब में मिलने वाला नॉलेज वो यही आके लेना पड़ेगा? आपने कितने घंटे यहाँ पे मेहनत की, कितने दिन तक मेहनत की है? एक महीना बैठे हो? एक महीना बैठे 14-15 घंटा, 12 से लेकर 14। शॉप है? शॉप नहीं, अभी फिलहाल जाके आप जाके करेंगे वहाँ पर। तो आप इतना टाइम यहाँ पर आके बैठ लिए, आपने क्यों नहीं ऑनलाइन कर लिया, क्यों नहीं घर में बैठ के चादर में देखा, ऐसा क्यों? जैसे कि मैं पहले 4 साल से आपको फॉलो कर रहा था फेसबुक में, यूट्यूब में फॉलो कर रहा था, आपका वीडियो देख रहा था। मैं ज्वाइन करने के लिए 2 साल से बहुत वो कर रहा था लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। जी जी, अभी जाके आके मैंने कॉल किया आपको, पहले भी कॉल किया था आने के लिए, कुछ प्रॉब्लम हुआ मेरा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, आके ज्वाइन किया। मैं सोच रहा था पहले क्लास में अरे कैसा होगा, कैसा मैं कर सकूंगा ना नहीं सकूंगा, जब आके इधर मैं बैठा जो आपका पढ़ाने का स्टाइल है उससे मेरा कॉन्फिडेंस पूरा हाई लेवल अच्छा हो गया। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा राज कि आप किसी और को रिकमेंड करना चाहेंगे कि यहाँ पर? पक्का भाई, जो यूट्यूब में देख के काम कर रहे हैं वो काम छोड़ो, आके पहले इधर में पहले एक बार इधर में आके किसी दुकान में बैठ के सीखा जा सकता है क्या जो हम सिखाते हैं? नहीं नहीं, इधर में जड़ जड़ से तो कहाँ से निकलता है कहाँ तक जाता है। और ज्यादा टीचरों की टीम होना फायदेमंद है कि कैसा बहुत, है? बहुत फायदेमंद है, हर एक का अलग नॉलेज मिलता है, अलग नॉलेज मिलता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक स्टूडेंट है गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद, गुलाम कहाँ से हो आप? जी मैं अलीराजपुर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से हो अलीराजपुर। मुझे बताओ मोहम्मद गुलाम कि यहाँ तक कैसा सफर रहा, एमएमसी हार्डवेयर ब्लैक पेस्टेड आज ड्यूल डेकर कर रहे हो? सर बहुत बेहतरीन रहा अभी तक का सफर हमारा। जी जी। और सर जो आज उम्मीद लेकर आए थे, जो बच्चों के रिव्यू वगैरह
हमने देखा वीडियो पर जो उम्मीद लेकर आए थे वो पूरे तरीके से पूरा स्टाफ खड़ा उतरा बिल्कुल सर बिल्कुल। और बहुत अच्छा नॉलेज मिला, इतना अच्छा नॉलेज मिला यहाँ आने के बाद, इतनी खुशी हासिल हुई हमारे को कि कहीं भी अगर दूसरे इंस्टीट्यूट में हम जाते ना तो शायद वो हमारे को नसीब नहीं होता। इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि कहीं दूसरे में हमें ये चीज नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती बिल्कुल। तुम क्या सर, हम 7-8 साल से मैं खुद दुकान चला रहा हूँ ऑलरेडी, मेरे गाँव का ये सारे भाई भी है। आ जाओ साथ में ले लेते हैं। क्या नाम है? शारिक अली सर। बताओ। तो उसके बाद में हम 7-8 साल से एक दूसरे राय सलाह लेके और दुकान चला रहे थे जी। लेकिन हमें सिर्फ इतना आ रहा था कि चार्जिंग सॉकेट बदलना, रिंगर बदलना और स्पीकर माइक वगैरह, इसके अलावा हम ये जानते नहीं थे कौन सी ट्रिक कहाँ जा रही है, पावर एसी क्या है, निकालना लगाना तो दूर की बात है। जी सर। यस सर। सही कर रहे हैं ये? सही है। आप साथ में काम करते थे दुकान में? बस सर हम। तो आप लोग एक दुकान को बंद करके आए या क्या करके आए? सर नहीं, हम दोनों की अलग अलग दुकान है। अलग अलग दुकान है जी सर। बंद करके आए, क्लोज करके। क्यों? लोग तो कहते हैं मेरा नुकसान हो जाएगा, बैठे बैठे मैं आऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। हमारे लिए सर इतनी अच्छी सुविधा, इतना अच्छा रास्ता ये मिला है कि हम यहाँ से जाएंगे, अगर हमारे को जिंदगी भविष्य में कभी भी अगर वो कंफ्यूज होंगे हम तो हम बिंदास आएंगे बिल्कुल। तो ये तो सब बैकअप फ्री तो दिया जा रहा है। yes, तो ये आना जरूरी है क्योंकि आप बिना नॉलेज के दुकान में बैठ कर कर क्या रहे हैं? एक बार बताओ। yes, जो लोग चार्जिंग डिस्प्ले या जो लोग कनेक्टर वनेक्टर का काम कर रहे हैं तो वो कितना कमा लेंगे ये बताइए। जी सर बिल्कुल। अब आप एमएमसी पर काम करेंगे, आप पावर पे काम करेंगे, आप डायग्राम, किसी का लाइट बनाएंगे, किसी का चार्जिंग बनाएंगे, तो ज्यादा कमाएंगे। यस सर। सर हमारे पूरे मार्केट में ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो दो दो चार चार महीना काम सीखे हुए हैं। तो हमने तो फिर भी ऑलरेडी दूसरी जगह काम सीखा था 6-6 महीना, लेकिन सिर्फ इतना आया कि स्पीकर बदलना और चार्जिंग सॉकेट बदलना, लोगों बाकी को आता कुछ ही नहीं, भी नहीं आया बिल्कुल। और हमारे साथ में ऐसे बैठे हैं कि जो दो दो महीना काम सीख क्या काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो सर मैं ये सबसे गुजारिश करूंगा, जो भी हजरात वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बेशक यहाँ पर आ सकते हैं जी। और कोई डाउट नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, बिंदास होकर यहाँ पे काम सिखाया जा रहा है। पूरा स्टाफ इतना बेहतरीन मिलेगा जो आप वीडियो में नहीं देख सकते, आप रियल में आके यहाँ देख सकते हैं। बोलो बत। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे गुलाम भाई कि जो यहाँ पर हमको नॉलेज मिला है जी, वो हमको 10 साल हो गए मुझे इस लाइफ में, 2012 की दुकान खोली है मैंने, लेकिन चार्जिंग सॉकेट है, डिस्प्ले वगैरह आज मैं कुछ मतलब बहुत कुछ कर सकता था वो, लेकिन यहाँ जब आया सर ने हमको पहले से कह दिया कि आपको हमारे तरीके सीखना है कि आपके तरीके से, तो क्या सर हमको जीरो लेवल से सीखना है। देखो ये हमने निकाला, वेरी गुड, क्या बात है? ये तक नहीं निकाल सकते। और हर एक दिन हर एक क्लास में कुछ ना कुछ इनको सिखाया जा रहा है। देखो आज जो इतना काम आया यहाँ पर, मैं सबसे जानना चाहूंगा ये बात, सब लोग शील्ड निकालने में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? देखिए लोग शील्ड निकालने में घबराते हैं, फोन को डेड करते हैं। ये देखो इनको दिखाओ, अभी ये देखो यहाँ दिखाइए, अभी इनके में आपने देखा था यहाँ पे पूरे में शील्ड लगी थी, ये देखो कितना प्रॉपर वे में इन्होंने शील्ड निकाली है। यहाँ पे देखो सर ये मैंने नेटवर्क सेक्शन का भी पूरा निकाला, हाँ, और बिल्कुल एक भी ना कंपोनेंट टूटा ना रेजिस्टेंट टूटा, नहीं तो पहले हम जब निकालते थे तो सारे आसपास के ट्रैक भी उखड़ जाते थे। सर मेरा जियो का फोन रखा हुआ ऑलरेडी चालू, मैंने पावर एसी, सीपीयू और उसका ईएमएमसी वगैरह तीनों आइटम निकाल दिए। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं खुद यहीं से चालू करके मेरे हाथ से डाल के और लेके जाऊंगा। जी 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 जी, थैंक यू वेरी मच। क्या बोलना चाहोगे, क्या बोल रहे थे? सर नॉलेज पैसों से ज़्यादा बेटर नॉलेज होता है, नॉलेज से आप पैसा कमा सकते हैं, पैसे से नॉलेज नहीं कमा सकते। जी 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 जी, थैंक यू। अच्छा मेरे को एक बात ये बताओ, हाँ मेरे को कि अगर तुमको अगर एक खाली एक ही टीचर मिलता पूरे इंस्टीट्यूट में और वो बता पॉसिबल लेके बैठ जाता एक मोबाइल और तुमको पढ़ाता तो क्या होता? 60 टीचर अभी तुम्हारे एशिया टेलीकॉम में 60 टीचर तुम्हारे साथ है। यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो टीचर पढ़ेगा कब तक, उसका स्टैमिना कब तक, वो कब तक सब तरफ ध्यान देगा? जब टीम रहेगा तो टीम वर्क में सब टीचर लोग अलग अलग ये पोर्शन लेके अलग अलग बच्चों से करवा सकते हैं। ठीक है, टेलीकॉम में साथ में लेकर साथ में बिठा के सिखाते हैं, वो बहुत खासियत। और सबसे बड़ी बात नॉलेज है, सबसे बड़ी दौलत है नॉलेज। मतलब टीचरों को एक्सपीरियंस भी है। यहाँ पर आना चाहूंगा, मेरे साथ दोनों स्टूडेंट है, आप दोनों ही हो जाओ, दो करके ले लूंगा, हमें क्लास भी बढ़ाना है। दिवाकर कुमार। दिवाकर कहाँ से हो तुम? यूपी। यूपी? मैं भी यूपी से बलिया से हूँ। आप दोनों अलग अलग ही हैं? जी सर। एक साथ नहीं आए हैं। yes. तो दिवाकर मुझे सबसे पहले बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस ब्लैक पेस्टेड निकालने से लेके, या एक पावर निकालने से, रिवॉल्व करने से, लगाने से, सीपीयू निकालने से, रिवॉल्व करने से, लगाने से, सेट चालू करने से, आज ब्लैक पेस्टेड और डुअल डेकर, बताइए। सर बहुत अच्छा रहा, मैं इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं था और यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिला और दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा एशिया टेलीकॉम के लिए, जो उम्मीद लेके मैं आया था उससे ज़्यादा ही कुछ सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बताओ। जी सर मैं तो बिल्कुल फ्रेशर था। फ्रेशर थे, कुछ भी नहीं करते थे, कुछ भी नहीं, में कुछ भी नहीं। आपने आपकी पीसीबी दिखाई है, ये देखो
या आपकी पीसी, आप भी पीसीबी दिखाइए अपनी, या आपको जो इंस्टीट्यूट की तरफ से दी जा रही है। सो ये मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे इसमें चार्जिंग आईसी पूछूं या मैं पावर आईसी पूछूं, सीपीयू पूछूं, तो ये आप बता सकते हैं? जी सर, बता सकते हैं। पहले कुछ भी नहीं जानते थे, तो सब आप जब दूसरे दिन आए थे तो आपको इसी के सीपीयू को यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिवॉल्व करवाया था, आपने भी किया था ना? जी सर। तो मुझे बताओ एसर टेलीकॉम अगर कोई आना चाहे? जी सर, वो बेफिक्र आ सकता है क्योंकि यहाँ पे नॉलेज इतना है कि हम फ्रेशर बंदे को इतना समझ में आ रहा है। जवानी सुन लो, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो इंक्वायरी करते हैं, वो पूछते हैं कि क्या सर मैं 30 दिन में सीख पाऊंगा क्या? अभी तक तुम्हारी कोई सी क्लास आगे बढ़ी अगर तुमको समझ में नहीं आया तो? नो सर, जब तक समझेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ता है सर। आप 30 दिन बात कर रहे हो, रिवीजन ही कितनी बार हो जाते हैं, तो ऐसा कोई डाउट बचता ही नहीं है। नहीं सर, ठीक है। और फिर ये सबसे बड़ी बात किसी इंस्टीट्यूट की क्या होती है, एक मोबाइल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, हम कभी भी उसको एक बार में भेजे में ना लें, तो इसलिए हमने लाइव बैकअप टाइम सपोर्ट रखा है कि आप यहाँ से भी डाउट होगा तो हम 3 महीने के बाद एनी टाइम हर महीने आप बिल्कुल हमें अटेंड कर सकते हैं। ये चीज कैसी रही आपकी? ₹1 भी आपसे चार्ज करेंगे क्या? मतलब पूरे जिंदगी भर? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और दो स्टूडेंट है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा अर्जुन तिवारी। अर्जुन, क्या नाम है? विशाल। विशाल, अर्जुन किधर से हो? नेपाल से। नेपाल से? मैं यूपी से हूँ, बाकी आया हूँ बैंगलोर। बैंगलोर से? बताओ अर्जुन अपने बारे में। मैं पहले 2-3 महीने से दुकान डाला था, इतना नहीं हुआ था। 1 साल पहले थोड़ा बहुत सीखा था उधर राजस्थान में जी, लेकिन मेरे को इतना नहीं नॉलेज नहीं था कि वो सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर पिन माइक इधर बदलना आता था, लेकिन जो आईसी का काम है तो वो कुछ नहीं आता था मेरे को। जब मैंने 1.5 साल से आपका वीडियो देख रहा था। बिल्कुल शॉर्टकट में बताओ, अपन को जल्दी अपन को काम करना है। ये बताओ अभी कैसा रहा एक्सपीरियंस? अभी बढ़िया रहा सर, अभी तो मैं ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंस आया है। यस सर, अगर तो एक दुकान में बैठने का कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? ये तो नहीं है कि अभी जाके सर मैं पहले बहुत सारी मेहनत खुद पे करूंगा उसके बाद में ही दुकान खोलूंगा? नहीं सर, नहीं। अगर मैं आपको एक क्वालिटी सेट दे दूं तो ये बोलूं कि इसको डायग्नोस करो कि पावर खराब है कि चार्जिंग खराब है या सीपीयू है, या यही बता दो कि हार्डवेयर का फॉल्ट है कि सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है, तो तुम दोनों बता दोगे? यस सर, ये तो डीसी रीडिंग से बता सकते हैं हम। सिर्फ डीसी रीडिंग? और डीसी रीडिंग नहीं भी है तो भी अगर मैं आपको बोलूं कि मल्टीमीटर से बताना है, बता देंगे वोल्टेज चेक करके। यस सर, बता सकते हैं। चलो, इतना कॉन्फिडेंस आया तो मुझे बताओ कैसा है आपका कॉन्फिडेंस, बताओ अपना। कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा बढ़ा इधर जी आने से, मतलब ये हो गया कि कोई भी सेट वो वापस नहीं जाए। बिल्कुल, मैं काम भी किया हूँ 7-8 साल तक, इतना नॉलेज नहीं था। जितना नॉलेज इधर जो तमन्ना लेके आए थे वो तमन्ना पूरी हुई कि नहीं तुम्हारी? पूरा हो गया। पूरी हो गई? पूरी। चलो, एक होता है साल, एक बात बताओ कि सर ने कोई सा भी सेक्शन आपको पढ़ाया है, कोई भी ऐसा सेक्शन पढ़ाया क्या कि जो डाउनग्रेड वर्जन का पीसीबी पे पढ़ाया हो? नहीं। डाउनग्रेड मतलब पुराने 3G या 2G वाले फोनों में? नहीं नहीं। यहाँ पे कभी भी कोई कीपैड खोला है क्या हमने? नहीं सर, नहीं सर, कभी नहीं। ठीक है, 4G। ठीक है, आ जाओ, थैंक यू वेरी मच। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के पुराने स्टूडेंट हैं, आप ले लो आराम से। बताइए कैसा रहा एमएमसी का? सर बहुत अच्छा रहा। जो तुमने लगा था एमएमसी, वापस क्यों आए इसे टेलीकॉम, कहीं और भी नहीं चले गए? सर पापा तो ऑप्शन को लेते, तुमने एक बार इसे टेलीकॉम पढ़ चुके, तुम ये क्यों नहीं सोचे कि आप किसी और को आजमाते? सर ऐसा मैंने बहुत देखा है वीडियो, गया भी हूँ काफी इंस्टीट्यूट में, दिल्ली में भी गया हूँ। अच्छा, जा चुके हो? जा चुका हूँ। अरे बाप रे, मगर मतलब करके नहीं आया। अच्छा, डेमो लेने का? डेमो लेने, डेमो लेने का, ठीक है। मगर उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। बताओ एसर टेलीकॉम की बात करते हैं, और एसर टेलीकॉम में क्या फीडबैक है? सर बहुत अच्छा फीडबैक है, कोई भी बच्चा आना चाहे बगैर झिझक के आ जाए, किसी से चाहे मेरे से पूछ ले अगर मेरी साइड का हो तो। आपके पास, इनके पास आप एमएमसी का फॉल्ट लेके जा सकते हैं, इनके पास आप कोई सा भी डेड सेट लेके जा सकते हैं, आईसी वर्क लेके जा सकते हैं, इनको कूरियर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। डुअल डेकर बोर्ड दिया है अभी हमने इनको, और ये अभी इसको निकाल के बॉल करने वाले हैं। हाँ भाई, अरे हो सर? अजय। दीपांकर सर। दीपांकर। संतोष सर। आपने सिटी का नाम बोली? लखनऊ सर। दिल्ली। झारखंड। दिल्ली? यस सर। दिल्ली से हो तुम? यस सर। तो मैं बताया नहीं तुमने हमें दिल्ली से हो तुम? सर बताया था। बताया था नाम दिल्ली में, दिल्ली छोड़ के जबलपुर जैसे छोटे शहर में क्यों आ गए? लोग तो यहाँ भागते हैं दिल्ली में, तो उससे दिल्ली भी लाल किला भी घूमेंगे और रिपेयरिंग भी सीखेंगे और खुशबू भी लेंगे, हर तरह की चीजें लेंगे, वहाँ पे टूल्स की भी दुकान होगी, मतलब सब मिल जाएगा, ओवरऑल सब कुछ है। सर नॉलेज नहीं मिलेगी? नॉलेज नहीं मिलेगी सर। लाल किला, लाल किला घूमने की हर जगह मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगा। और घूमने नहीं आए? यस सर। पढ़ने आए? यहाँ तो सर बाहर गली के अलावा कहीं देखा ही नहीं सर। अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक मतलब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, कितनी देर में आए थे आप लोग? सर 26 को आए। 26 26
यहाँ पे आए थे 25 को और आज 21 तारीख ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है। मैं सबको एक बार राउंड करके घुमा, मुझे बताओ जबलपुर अभी तक किसी ने घुमाए कि नहीं घुमा यहाँ पर? ऐसा नहीं है जबलपुर में घूमने लायक बहुत सारी चीजें हैं। एक ही गली देखी है सर, एक ही गली देखी है जाने और आने के लिए सर, जाने और जब आप यहाँ से शाम को जाते थे 8 बजे रात में 10 बजे तो कभी ऐसा लगता था वहाँ घूम कर आ जाते? नो सर, थकान इतनी हो जाती थी, पलंग का टाइम नहीं मिला आपको? नहीं सर, कपड़े गंदे सर। तो ये चीज आपकी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 100% नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद पैसा हो जाएगा, एक लेवल हो जाएगा तो कहीं भी दुनिया घूम सकते। नॉलेज नहीं होगा और पैसा देके नॉलेज लेने, मैं स्कूल जा रहा हूँ पढ़ने, मेरे बच्चे को पढ़ाई नहीं जा रहा है पर इसी में बिठा दिया तो मेरे बच्चे का तो भविष्य बेकार है ना। भाई कितना भी बड़ा स्कूल क्यों ना हो, नॉलेज होता है। अब मुझे बताओ इससे टेलीकॉम का नॉलेज हाई लेवल है सर? सर बोलने की जरूरत ही नहीं है। इनका हाई लेवल बोल सकते हैं सर? अपर हाई लेवल, अपर हाई लेवल बोलो। हाई लेवल है सर। अगर मैं आपको बोलूं एक नॉन पेस्टेड से पेस्टेड आईसी का तक का सफर बताओ। बहुत सॉलिड रहा सर, मतलब आपका क्लास था फर्स्ट हार्डवेयर का, उसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर, फिर अभी ईएमसी। सर हार्डवेयर का इतना प्रैक्टिकल हुआ, इतनी अच्छी थ्योरी हुई है सर, उसके बाद हम लोग को ईएमसी तो मतलब उसमें मेहनत करने का मेहनत नहीं करनी। और यही अगर पहले दिन होते तो सब कुछ आपको है ना ऐसा लगता है कि भाई ये तो ईएमसी पहचान है, बाजू में क्या है? पहले दिन सर, पहले दिन ऐसा लगता था समझ ही नहीं आ रहा कुछ, लेकिन दूसरे दिन फिर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में पहली बार रियलिटी में तो घुसे हो। अब तक तो तुमने बोर्ड में खाली कनेक्टर देखे और कुछ नहीं देखा है। हमें अपनी नॉलेज के हिसाब से समझ में आता है और जिंदगी भर, क्योंकि हम जुड़े हैं आपसे यहाँ पर। और यहाँ से जाने के बाद मुझे बताओ क्या कर लिया? यहाँ से जाने के बाद वो जो आपने जितना नॉलेज दिया है उसको हम, और अगर कहीं भी कंफ्यूज हुए और डाउट हुए जो कि होंगे ही, यस सर, ऐसा कोई नहीं है जिसको डाउट नहीं होगा, ये मैं हम खुद कह रहे हैं, तो मुझे बताओ उस डाउट के साथ में फिर क्या करोगे? सर बैकअप है ना, बैकअप सीधा बैकअप है सर। भाई 23 तारीख को 10 लोग बैकअप में आ रहे हैं, इन लोग का जैसे ही जाएंगे एक नया बैकअप का क्लास लग जाएगा, हर महीने 2 बैकअप की क्लास 23 और 9। थैंक यू वेरी मच। एक बार मैं आपसे पैसा वसूल बताओ? पैसा 100%। अब मुझे बताओ दिल्ली आपके यहाँ से कोई आना चाहे तो क्यों आए? तो जरूर आए सर, अगर अगर उसको कोई डाउट है तो वो हमसे बात करे, वो क्लियर हो जाएगा सर। सर अगर नहीं आएगा तो सर टाइम खराब करेगा, जल्द से जल्द आए। एक किसी स्टूडेंट को क्या देखना चाहिए, रहने की सुविधा पहले वो देखना चाहिए? नो सर, ओनली फॉर नॉलेज सर। नॉलेज सर, नॉलेज रहने कुछ नहीं, आप पैसा खर्च रहने के लिए नहीं दे रहे हो? नहीं सर, आप पैसा दे रहे हो क्लासेस में नॉलेज लेने के लिए सर, जो पूरी जिंदगी भर साथ। जैसे बोलते ना कि ईमानदारी से तपस्या पेड़ के नीचे होती है, जमीन पर बैठकर, घर पे बैठ के एसी के नीचे आप तपस्या नहीं कर सकते? कहीं पूजा कहीं एसी के बीच नीचे बैठ के, मंदिर में नमाज एसी के नीचे बैठ के किया जाता है क्या? कभी नहीं सर। किया जाता है क्या? नो सर। मोहम्मद यहाँ पे मोहम्मद आएगा मेरे पास, मोहम्मद गुलाम। मोहम्मद गुलाम मुझे बताओ क्या मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाती है क्या एसी के बैठ के नीचे पढ़ी जाती है? नो सर, बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से नमाज वगैरह पढ़ी जाती है। क्यों वहाँ कंफर्ट क्यों नहीं देख रहे? वहाँ इसलिए कि वहाँ इबादत करने जाते हैं सर। इबादत करने जाते हैं मतलब आप अल्लाह को पाने जाते हैं, राइट? अल्लाह से कनेक्ट होने जाते हैं सर। तो वह आप फिर किसी इंस्टीट्यूट में जब पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप राजशाही क्यों देख रहे हैं? थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा अगर कुछ करने जा रहे हैं। एडजस्टमेंट, जी बिल्कुल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और मैं सच बताऊं आप लोगों को, क्या ऐसी बहुत दिक्कत गई क्या रहने खाने और? नो सर, नो सर। किसी प्रकार की बताओ किसी को दिक्कत गई क्या? सब अपने दिमाग से क्लियर है, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर, सब यहाँ पर एडल्ट है और सब यहाँ पर सिंगल आए हैं खुद से ट्रेन पकड़ के, सबको पता है क्यों आए हैं क्या के लिए आए हैं। जितना कंफर्टेबल अपने को मिल जाएगा फिर मेहनत नहीं कर पाएंगे, मेहनत नहीं कर पाएंगे सर, मेहनत नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपको 2 दिन में एक बार में 2 बार लंच करवाऊँ तो क्या आप नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको 1 दिन में थोड़ा सा लंच करवाता हूँ, ठीक है? मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, तीनों आ जाओ, आ जाओ चारों, बस मेरी बोल लाइन बची है, उसके बाद मैं अपन चालू करेंगे। डबल डेकर दिखाओ, आप तीनों अपना प्लीज डबल डेकर दिखा दो यहाँ। ये आज का है डबल डेकर, ये देखो M31 का बोर्ड मिला है इनको, यहाँ पर देखिए सर अभी वो उतारी है सील्ड, ये सील्ड उतारी है, आप देखो एक एक ने सील्ड उतारी है। बोर्ड बताओ तुम्हारा, पता आप लोग भी बता दो प्लीज, तुम्हारा बोर्ड बताओ सर, सब लोग बोर्ड पकड़ लो, तुम्हारा बोर्ड बताओ सर, फर्स्ट टाइम उतारी सील्ड, तुम्हारा बताओ शहबाज, लोग ये उतारने में इसको डेड करते हैं। हमने ऐसा बहुत सा सेट बनाया है कि सर सील्ड उतारी थी तब से डेड है, कंपोनेंट हट जाएगा, छोटे छोटे पता कंपोनेंट, और वो हो सकता है क्लॉक का हो, वो हो सकता है कमांड का हो, भाई यही चीज तो जानी ना हमने। चलो मेरे भाई शुरुआत करेंगे इन लोगों के साथ, ये 4 लोग, आप लोग इधर आ जाओ। सो यहाँ पर क्या नाम है? मोहित चौरसिया सर, इंदौर, इंदौर से सर। मनीष राजस्थान, राजस्थान। शाहबाज भाटकर चिपलून महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। जसप्रीत सिंह पंजाब, पंजाब।
सो मेरे भाई इतनी अलग अलग स्टेट हैं, सारे ही स्टेट अलग अलग, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब, चार स्टेट बैठे हैं। तो पहले स्टेट से बात करेंगे, ओवरऑल एक्सपीरियंस। सर बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, मैं जो सोच के आया था उससे मेरे को ऊपर ही मिला, नॉलेज नेक्स्ट लेवल मिला। मैं नॉलेज के लिए आया था यहाँ बेसिकली, और नॉलेज मेरे को नेक्स्ट लेवल मिला। और अब तो मतलब ऐसा हो गया कि कोई भी सेट मैं देख के डायग्नोस कर दूंगा उसको मीटर से ही, मीटर से डायग्नोस। कैसा रहा आप सब लोग का? वो तो मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल था, उससे आपको एमएमसी में कितना फायदा मिला? मुझे बहुत फायदा मिला सर, बहुत फायदा मिला। और हमारे लिए यहाँ पे हर दिन एक नया सवेरा होता है, कुछ डेली कुछ अलग सीखने को मिलता है सर, कुछ नया सीखने मिलता है सर, हर रोज़ हर वक्त। और क्योंकि सर इतने सारे सर एक्सपीरियंस है, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमसे हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हमारा नॉलेज और बढ़ता है सर। सर रोज नया मिलता है मुझे तो, रोज नया मिलता है। मैं आज कितनी बारिश हो रही थी बाहर? अरे बहुत बारिश, रास्ता बंद हो गया था सर, पानी इतना भर गया, इतना भीग के देखो अभी भी है ना, अगर आप देखो है ना हल्का सा भीगे हुए हैं, ये देखो गीला है सर, भीगे हुए पर लेकिन भीगना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट हमारे लिए। कोई और इंस्टीट्यूट होता तो ये बोलता कि भाई ऐसा करो हाफ डे छुट्टी ले लो, जब पानी कम होगा तब आ जाना, नहीं तो सर छुट्टी दे देता था। मेरा मैसेज क्या आया कि 15 मिनट में नहीं आए भाई, अलग है सर, यहाँ का जज्बा अलग है। और उल्टा मैं तो आज इतना एक्साइटेड था, सबसे पहले तैयार में हुआ था, और नीचे उतरे थे बहुत जल्दी आ गए थे सर, बहुत जल्दी आ गए थे हम, और आते ही हमने यही मैसेज किया था कि सर हम पहुंच चुके हैं, आप भी आ जाइए। क्लास में डिसिप्लिन होना कितना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, डिसिप्लिन नहीं होगा तो नॉलेज का फिर वो वैसा चलेगा ही नहीं, वैसा वो नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। और मतलब इंस्टीट्यूट में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट डे से सर यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ ही सर सब चल रहा है सर, और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है सर लाइफ में, अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो सर कुछ भी नहीं। क्या होगा डिसिप्लिन, क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? सर वो एशिया टेलीकॉम ने सिखा दिया है क्या होता है डिसिप्लिन तुम्हारे हिसाब से? सर डिसिप्लिन वही होता है कि एक वेल मेंटेन्ड, एक स्टेप बाय स्टेप नॉलेज के लिए टाइम मैनेजमेंट होना, स्टूडेंटों का प्रॉपर टाइम पर पहुंचना, और फिर टीचरों को पहुंचना, उनको सही तरीके से फोकस कराना, फोकस ये नहीं कि एक स्टूडेंट कहीं गेम खेल रहा है उसके बीच में। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, सर ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे जब भी हम आते हैं तो ऑलरेडी हमें इंस्टीट्यूट खुला हुआ मिलता है, हमारे टेबल वगैरह सब लगी हुई रहती है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंस्टीट्यूट ताला लगा है हम बाहर बैठे बैठ गए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। नहीं नहीं ऐसा एक बार भी नहीं हुआ, और मुझे ऐसा लगता है और ये कभी होने वाला भी नहीं है। कभी नहीं होने वाला। यार टीचर में जोश कैसा है? अरे सर बहुत, आपका जोश तो बहुत नेक्स्ट लेवल, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोश है, बहुत ही हाई लेवल का जोश है, बहुत ज्यादा जोश है। और आपसे सर जो कॉन्फिडेंस हमें स्टूडेंट्स को मिलता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सर मेरे तो घर से फोन आया था अभी, पैसे वसूल हो गए, महंगा हो गया। जोश होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, ठीक है ना। लाइफ में कहते हैं ना कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, पर कॉन्फिडेंस अकेले काम नहीं करता, उसके साथ स्किल भी चाहिए। आप बहुत जोश है, मुझे बहुत जोश है कि, पर ये जोश के साथ मैं किसी को ऑपरेशन नहीं कर सकता। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ, जोश है, पर मैं ऑपरेशन तभी करूंगा जब मुझे अच्छी स्किल दी जाए। स्किल बहुत प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत बेहतरीन टीम मिली है और बेहतरीन इंस्टीट्यूट मिला है। देखो तुम दूसरी जगह जाओगे एक थ्योरी का बहुत बढ़िया टीचर मिल जाएगा, मुझे बताओ किस किस का पैसा वसूल हुआ? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बैठिए। 2-3 आओ आओ, बस 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 बस, 1-2-3-4-5 जन, ठीक है। सो भाई मेरे साथ में स्टूडेंट है, नाम बोलो। श्रीनिवास। कादर। अब्दुल कादर। रवि चौरसिया। रवि। केपी तिवारी। प्रमोद। झारखंड। प्रमोद। आप अपनी सिटी बोलो। छत्तीसगढ़ सर। छत्तीसगढ़। झारखंड। झारखंड। छत्तीसगढ़। यूपी। कर्नाटका। बहुत ही दूर से है यहाँ पर। सो मुझे बताइए ओवरऑल आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, बताइए। बहुत अच्छा था सर, शुरुआती दौर से ही और अभी तक एकदम जबरदस्त रहा सर। जबरदस्त रहा, जबरदस्त, बहुत मजा आया सर। पैसा वसूल है। कादर। बहुत जबरदस्त रहा, बिल्कुल पैसा वसूल है शुरू से ही, और आज तक बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं हमें कि मतलब कोई भी समस्या रही हो, बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया रहा है, बहुत कम बोलते हैं, इनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है। मैं आप ही सब लोगों से जानना चाहता हूँ कि एक नॉन पेस्टेड से पेस्टेड तक का सफ़र मुझे बताओ। पेस्टेड में सर कुछ ज़्यादा फ़र्क था, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया इन्होंने, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है और इसमें बहुत कम है, मतलब ऐसा। अगर ये मुझे बताओ जो हमने डेट सेक्शन आपको पढ़ा है वो एमएमसी में काम आए कि नहीं आए? बिल्कुल आया सर, यहाँ पे बिल्कुल
जो टीचर जो हर डे का पहला डे का सेक्शन है वो एमएमसी में काम आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर। क्योंकि अगर हम रजिस्टर नहीं समझाते तो क्या आपको क्लॉक में लगा हुआ कमांड का रजिस्टर समझ में आता क्या? कल जैसे एक से डेट भी था लेकिन वो रजिस्टर की वजह से ही डेट था, तो पता चला कि रजिस्टर की वजह से ही डेट हो सकता है क्योंकि उसमें पिन आउट मार के किया गया था लेकिन सेट डेट हो गया था, तो क्लॉक की लाइन थी डाटा की, तो पता चला कि नहीं रजिस्टर की वजह से भी सेट डेट हो सकता है। तो बेसिकली कंपोनेंट से भी एमएमसी का नॉलेज लेके मार्केट में बैठा जा सकता है क्या? सिर्फ खाली हार्डवेयर का लेके बैठा जा सकता है? एक्चुअल में हम जब आए थे दो दिन लगा था कि कंपोनेंट यार जे तो ऊपर से जा रहे हैं, मगर अब उसकी अहमियत मालूम पड़ी कि वो ही बेस है। बिल्कुल, बेस जब तक मजबूत नहीं होगा जब तक कुछ नहीं होगा। जैसे मकान बनता है, बिल्कुल हमें फर्स्ट फ्लोर तक जाना ही जाना है, पर हमारे को पहले ग्राउंड फ्लोर बनना बहुत ज्यादा। मुझे सब लोग बताओ आप में से कि भाई किस किस का पैसा वसूल है, मुझे बताइए पक्का सब रिकमेंड करना चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान को। एकदम सर, एशिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट, मैंने इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट यही है सर, और एशिया टेलीकॉम, और लोगों को आना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं आएंगे। एकदम सर, जो बात क्लियर बोल रहे हैं, एडिटिंग होता है, लोग सब बोलते हैं कि भाई एडिट कर देते हैं, ये कर देते हैं, लाइव सर, एकदम लाइव है। और रात के 2 बजे क्या बोल रहे थे तुम सब? सर को आई लव यू मेरे तरफ से। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आई लव यू उन्हीं को बोला जाता है जिनसे दिल से जुड़ाव होता है, और दिल से जुड़ाव यहाँ हर सर से है, और इतना डीपली नॉलेज देते हैं कि दिल से जुड़ाव ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसलिए फिर से एक बार सब सर को आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। आ जाइए इधर। नाम श्याम सुंदर मंडल, हम नेपाल से सर। नेपाल। रवि शर्मा नेपाल से। नेपाल। दिलीप चौहान सर आसाम से। मनोज यादव यूपी। मासोकली मैं यूपी से। नवीन सिंह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। केरला। केरला। आप देखो केरला से नेपाल से लेके यूपी और हर तरह के से आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे एक हार्डवेयर में एक सेक्शन होते हैं, एक लाइट सेक्शन होता है, एक चार्जिंग सेक्शन होता है, अलग अलग सेक्शन होते हैं, इतने सारे सेक्शन से एक मोबाइल बनता है, वैसा ही पूरे देश से एक ऐसे टेलीकॉम बनता है। ये बात सही है, कह रहा हूँ। एक इंस्टीट्यूट एक टीचर से इंस्टीट्यूट नहीं बनता, एक टीचर की टीम से एक इंस्टीट्यूट बनता है। एक स्कूल में एक टीचर क्या मैथ्स भी वही पढ़ाता है, फिजिक्स भी वही पढ़ाता है, होता है क्या? नो सर। कोई कॉलेज में ऐसा कुछ होता है क्या? नो सर। उसको डेफिनेट उसको मान्यता ही नहीं मिलती है, पर हमारे इंस्टीट्यूशन लाइन में ऐसा क्या है कि बस रस्ते में आओ बोर्ड लगा दो मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोई झक मानने नहीं आ रहा है कि तुमने वाकई में इंस्टीट्यूट का किसी प्रकार का कोई लेकर मतलब बिजनेस लाइसेंस भी लिया है कि नहीं लिया है। बस स्टूडेंट एक गलत फहमी में आ जाता है वीडियो देखकर, एक रिव्यू देखकर। हम भी रिव्यू ले रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, हमारे और दूसरे रिव्यू में क्या अंतर है, हम भी फेक हो सकते हैं, बट भैया फेक रिव्यू ऐसा हमारे में तो नहीं लगता है क्योंकि हम ले रहे हैं लाइव। और इसके बाद इसी लाइव को देखने के बाद आप इन्हीं लोगों के चेहरे को देखो, यही लोगों के चेहरे को आप इनके पास अपने अपने बोर्ड दिखाइए प्लीज, अपने अपने बोर्ड दिखाइए। देखो आपको लगता होगा कि एक जैसे रिव्यू ले रहे हैं, वही बोरिंग चार्ज, हर कोई हिंदुस्तान के हर एक इंस्टीट्यूट में रिव्यू लेते हैं, पर मेरे भाई कुछ तो डिफरेंट करूंगा, ऐसा नहीं है। देवदन अग्रवाल कुछ तो डिफरेंट करेगा, और वो ये है, आप इनके बोर्ड देख लो एक बार, करीब से बोर्ड दिखाओ, क्या किसी का भी आप में से इसका सीपीयू रैम उतरा है क्या? नहीं, नो सर। नो सर, ये कौन उतारने वाला है? हम ही उतारने वाले। और यही चीज आपको ये लाइव में मिलेगी, ये करके दिखाओ, कहते हैं ना हनी सिंह का गाना कि ये करके दिखाओ कि तुमने सबने रैप तो कॉपी कर लिया पर ये वाला रैप करके दिखाओ। सो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस कितने लेवल पे बताओ? सर जबरदस्त, जबरदस्त। यस सर। और जो डेट सेक्शन सिखाया, जो डेट से पहले डेट कैसे होता है वो सिखाया, वो एमएमसी में कितना काम आया? बहुत काम आ रहा है सर। पक्का? पक्का। अगर डायरेक्ट एमएमसी में आपको ला दे और दे देते तो आपके 4 सेट चालू तो होते, पर आपको कुछ समझ में आता क्या? जाने के बाद में बहुत कंफ्यूज होते ना, तो इसलिए हमारा पढ़ाने का जो सिलेबस है वो कैसा लगा बताइए? बहुत अच्छा लगा सर, सिलेबस बहुत बढ़िया सर। कि हमने कब लाइट लेना है, कब ग्राफिक्स लेना है, कब चार्जिंग लेना है, कब नेटवर्क, हम चाहते तो नेटवर्क को पहले भी ले सकते थे पर हम नेटवर्क को सबसे आखिरी में ले रहे हैं, फिर डेट को ले रहे हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, और फिर बाद में एमएमसी ले रहे हैं। मुझे आप सबसे एक बार में जानना है कि किस किस को आप पैसा वसूल हुआ है बताइए? पक्का? कौन कौन यहाँ पर फीडबैक देना चाहेगा, रेफरेंस की वापस आए यहाँ पर, कोई आना चाहेगा तो यहाँ जो आना चाहे उसके लिए निर्धक एकदम आ सकते हैं, एकदम अपना नॉलेज को एकदम गेन कर सकते हैं। सर यहाँ जो पढ़ाने का तरीका है जन वो सबसे अलग है सर। सर यहाँ पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है, जो आना चाहे जल्दी आए, जो आना चाहे बिल्कुल आ सकता है सर।
अभी सर जो मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर उन्हें अपने आप को अपग्रेड करना है, नहीं पड़ेगा तो उनको क्या होगा? नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं होगा तो जैसे काम कर रहे हैं कर रहे हैं, एक दिन मार्केट से आउट हो जाएंगे, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होगी, बेसिक नॉलेज नहीं होगी। अगर आप मकान बना रहे हो नींव स्ट्रांग ना हो तो ऊपर गिरेगा, और नींव तो स्ट्रांग करनी पड़ेगी कभी ना। मैं इसको बुलाना चाहूंगा, इधर आओ प्लीज, इधर आओ। मैंने कल इन्हीं का एक एमएमसी में रिव्यू सुना था, क्यों आपने कहा था कि आप कुछ पहले काम कर रहे थे, उसके बाद बीच में छोड़ दिया था, बीच में छोड़ इधर आओ सर, क्यों छोड़ दिया था सर बताओ? लैक ऑफ नॉलेज। हाँ, नॉलेज इतना नहीं था, बाकी काम नहीं कर पा रहा था, फिर मैं दूसरी फील्ड में चला गया। मैंने सोचा ठीक है, अभी तभी करते हैं जब हमारे को पहली फील्ड में इंटरेस्ट खो दे हम। हाँ, तभी तो दूसरी में जाएंगे। हाँ सर, अगर एक फील्ड आप लगातार पैसा कमाएंगे तो दूसरी फील्ड में जाएंगे क्या? नहीं सर, नहीं, अपने फील्ड को इतना स्ट्रांग बना देंगे कि 10 नीचे लड़के खड़े कर देंगे आप। यस सर, उसके बाद कई 10 बिजनेस कर ले, पर वो बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए। बंद नहीं, वो बंद क्यों होता है? नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। क्या बोलना चाहूंगा दुकान वालों को कि बंद कर रहे हैं भाई इनको? नहीं सर, वो अगर वो अगर नॉलेज लेने के लिए केपेबल नहीं है ना, वही लोग बंद करेंगे। अगर जिसको नॉलेज लेना है, जिसको पढ़ना है और करना है आगे कुछ, तो उसको नॉलेज लेना ही पड़ेगा। सब अपना घर छोड़ के आए हो इतनी दूर नेपाल से, और एक रिस्क लेके ही आए हो। बिना रिस्क के कुछ हो सकता है क्या? मैं अपने घर से यहाँ आया हूँ तो मेरी भी रिस्क है लाइफ की, ऐसा नहीं है, हर एक रिस्क है। और ये सोचेंगे कि भाई रिस्क नहीं लेना है, और ऐसा कोई मिल सकता है कि विदाउट रिस्क हमें कोई प्रॉफिट हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होता। आप एक साइड रीस्टार्ट आता है, आप उसका सीपीयू निकालोगे तो उसमें भी तो रिस्क है ना, 1% कि वो साइड में हो सकता है कि उस साइड में ज्यादा टेम्परेचर से बोर्ड आपका टेम्पर हो जाए, सीपीयू आपका डैमेज हो जाए। सो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और ये हम अभी इसको पूरी क्लास को लाइव देखने वाले हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। ठीक है।
और चलिए आप क्या करने वाले हैं सर डबल निकल के एक्साइटेड थे आप करने जा रहे हैं ये पूरा आपके पास लेके आए नहीं सर वैसे टेलीकॉम की तरफ से मिला था ठीक है हमारे फॉर्म की तरफ से मिला है और यहाँ पे आपके क्वारंटाइन का रूल लेकर बोर्ड है तो यहाँ पे आपका रैम और सीपीयू निकालने वाले हैं यस सर सीपीयू निकालिए रूल पकड़ लिया आपने यस सर रूल बहुत शानदार सर पहली बार निकाला हाँ सर पूरा क्लीन करके बोल देंगे उसके बाद फिट करें थैंक यू सर अभी ये निकालने वाले हैं सर डबल टिकर को अलग करेंगे पहले रैम निकालने वाले बिल्कुल बिल्कुल ठीक है पहले रैम को निकालेंगे पहले रैम निकालेंगे ये क्या पता है आपको यस सर अरे ओ ये पता चला कि रिमोट का ठीक है
सर क्लीन करेंगे ब्लू व्हाइट ब्लू है इसमें सारी चीजें जो क्लीन करेंगे उसके बाद आगे दीवाकर कुमार ऐसा नहीं है सर अभी मैं ब्लू कट किया हूँ उसके बाद फिर निकाल रहा हूँ ये फर्स्ट टाइम है यहाँ से देख पा रहे होंगे इन्होंने आईसी निकाल दिया है ये टेस्टेड है टेस्टेड है टेस्टेड है तो आप इसका रैम का प्रोसेस करने वाले हैं और उसके बाद से हमारा सिग्नल लगाने वाले हैं सर ठीक है सारी फिक्स बताई गई नहीं सर पूरी फिक्स बताई गई है और मैं इससे पहले डोल डोकर पे काम नहीं किया था और आप देख रहे हैं कि मैं इतनी गलतियां की हैं और उसके बाद देखिए कि मैं सर ने जो ठीक बताया उसके हिसाब से मैं आईसी को यूं निकाल दिया सर क्या नाम है आपका सर रवि कुमार नाम है रवि जी कहाँ से आप हरियाणा से हरियाणा से हैं तो अभी आज आप गोल्डन क्लास आपने इमेजिंग क्लास ज्वाइन किया था जी सर चलिए ठीक है अभी आप गोल्डन कर रहे हैं जी आप गोल्डन कर दिया है और ये लाइव गोल्डन कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं बहुत अच्छा लगा बहुत बढ़िया Gracias.
कौन से टेंशन से रिवॉल्व किया आपने इसको? यूनिवर्सल टेंशन से पॉसिबल है? यस सर। कहाँ पॉसिबल है? ये देखो सामने एशिया टेलीकॉम रिजल्ट यहाँ पे, और ये खाली एशिया टेलीकॉम में हो सकता है, बाकी किधर नहीं हो सकता। थैंक यू सर। जी सर। क्या नाम है? मेरा अर्जुन है सर। अर्जुन जी, आपने डुअल डेकर रिवॉल्व की? यस सर। कौन सी स्टेशन से थी आप? यूनिवर्सल स्टेशन। यूनिवर्सल पे पॉसिबल है? पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल। कहाँ पॉसिबल है? एशिया टेलीकॉम में पॉसिबल। एशिया टेलीकॉम, यस सर। तो अभी आप इसको लगाने वाले हैं? हाँ, अब लगाने वाले हैं। चलिए ठीक है, लगाइए। तो रवि जी, आपने रिवॉल्विंग कर लिया है यहाँ पे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे यहाँ पे इनकी रिवॉल्विंग कंप्लीट हो चुकी है, और अभी आप फिक्स करने वाले हैं जी? चलिए ठीक है, फिक्स करिए। Thank you.
आपने रैम और सीपीयू लगा दिया है जी सर। हमारा मेन पर्पज ये है कि क्लीनिंग प्रोसेस और रिवॉल्विंग जी। क्लीनिंग प्रोसेस आपका क्लियर है जी सर, एकदम बिल्कुल एक एक बॉल बनाया आपने जैसा कि आप वीडियो में देखे भी होंगे। तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट, बढ़िया। तो यहाँ पे आपने रिवॉल्विंग क्लियर कर लिया है? यस सर, मैंने रिवॉल्विंग भी क्लियर कर ली है और दोनों बिल्कुल कंप्लीट हो गया। रैम और सीपीयू दोनों लगाइए। बताइए सारिक जी, क्लीनिंग प्रोसेस, माउंट रिमाउंट कैसे, कितने हीट पे रैम और कितने हीट पे सीपीयू निकालना, समझ में आया नहीं है? सर सब समझ में आ गया, और कितनी हीट देना, कितनी अपनों को एयर देना है ये, और बिल्कुल उसको कैसे निकालना है काट के। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? सर काफ़ी अच्छा रहा, पहली बार फर्स्ट बार निकाला और फर्स्ट बार में लगाया सर, और एक ही प्रोसेस रिवॉल्विंग सारी परफेक्ट हुई। परफेक्ट परफेक्ट सर, बिल्कुल एक नंबर सर। पहले दिन से लेकर अभी तक की मेहनत है जो परफेक्ट हुआ सर, आज पहली बार करा और काफ़ी मज़ा आया ये काम करने में, और बिल्कुल दिल में बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल डबल डेकर के अंदर काम करने में सर। चलिए ठीक है, पैसा वसूल है? अरे सर डबल पैसा वसूल है। थैंक यू सर। साफ करूँगा उसको, थोड़ा सा डस्ट वस्ट आ गया शायद। Thank you.
अनिल अनिल सर Salud, mi hermano. Pero voy a echarme con esto. ¿Cómo que no? ¿Chanel tiene un poquito? ¿Chanel tiene? ¿Chanel? 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 इसमें पेस्ट लगाना पड़ेगा बस बस साइड में साइड में साइड में साइड में बस कौन लोग हैं कौन आते हैं माइनर टेडर ठीक है यार हम कर लेते हैं ना कोई आएगा नहीं तो कुछ है ना थोड़ा बस वो फिक्स हो गया है इसको करूँ बहुत बढ़िया सर मजा आया सर सब सर ये तो माइंड में बस गया सर करके क्या बोले सर अब सब वो हो गए सर ब्लैंक हो गया अपन लोग करके बहुत एक्साइटेड सर करके मजा आया सर बहुत मजा आया सर थैंक यू सर Thank you.
कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया सर। क्लीनिंग प्रोसेस, रिवॉल्विंग का प्रोसेस, डुअल डेकर का, अभी कोई से फोन में कर ले पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हाँ सर, कर पाएंगे सर। कर पाएंगे? कर पाएंगे। कैसा लगा यहाँ का ट्रिप सर? बहुत कॉन्फिडेंस एकदम 100% आया होगा सर। पैसा वसूल सर, मेरे को तो ऐसा लग रहा था डबल डेकर में कैसा होगा क्या, लेकिन सर जब मालूम पड़ा कि ये प्रोसेस करना है और जिस प्रोसेस से कर रहा हूँ सर, बहुत इजी है। सर वो जो बोले थे हलवा सर, डेफिनेटली हलवा। हाँ सर, चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ये देख सकते हैं मेरा जो आईसी लॉक हो चुका है। और ये देख सकते हैं मेरा सीपीयू एकदम वन शॉट डन हो गया। सर आप 5 मिनट को कन्वर्ट कर दीजिएगा। और इधर से क्या मैडम फिक्स हो गया? कैसा लगा? बहुत गुड फील हो रहा है सर। बहुत गुड फील हो रहा है? यस। चलिए ठीक है, क्लीनिंग प्रोसेस, रिवॉल्विंग, ये सारा कटिंग करना, ग्लू क्लियर करना, ये सब सारी चीज़ें समझ में आई आपको? एकदम परफेक्ट सर। परफेक्ट? चलिए ठीक है, थैंक यू। सही है, मैंने सर बिल्कुल कम डाला था। हेलो, कुछ और करते, कुछ और लग गया।
अरे टेबल में खिलाओ, जाओ नहीं इतना उधर। और ये इसको आपने किस में रिवॉल्व किया सीपीयू को? यूनिवर्सल में सर, वो गोल्ड का सीपीयू पॉसिबल है? हाँ सर है ना पॉसिबल, इससे रिवॉल्व किया। मैं इन्होंने रिवॉल्व किया है, ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत शानदार था। बढ़िया, हाँ बढ़िया। पैसा वसूल? हाँ पैसा वसूल सर। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे इन्होंने सीपीयू और रैम को रिवॉल्व किया है और क्या करने वाले हैं? जी सर, ओवरऑल मैं बात करूँ आपसे, कैसा लगा? बहुत अच्छा था सर, समझ में आया कि नहीं? क्लीनिंग प्रोसेस और सरफेस क्लीन करने के लिए जो आपका ग्लू होता है ग्लू क्लीनिंग, और बात करें रिवॉल्विंग की जो ट्रे होती है ट्रे को रिवॉल्व करने का तरीका, कितना हीट रखना है पीपीटी को, कितना ड्राई करना है, सब सारी चीज़ आपको? हाँ सर, प्रॉपरली हीट का हम लोग को बताया गया था कि किसमें निकालते वक्त क्लीनिंग टाइम और दोबारा रिवॉल्विंग, सारी चीज़ें बाकायदा बताई गई थी करने से पहले, ताकि क्या अगर हम बीच में भूलें भी तो वो सारी चीज़ें हमको रिमाइंड करने में इजी हो। तो अभी इजी होगा? बहुत बहुत इजी करने वाले हैं यहाँ से जाके? बिल्कुल सर, करने वाले हैं, और ये सारी चीज़ें जो हम लेके जा रहे हैं ये उस बिल्कुल इंस्टीट्यूट जैसा ही मदद करेगा हम लोग को जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो बस सामने खोल के रखना है अपने नोट्स और बस काम करना है और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?